there have been queries by many students, काफ़ी सारे students की query है कि पढ़ाई के लिए ज़्यादा time कैसे right? पढ़ाई के लिए ज़्यादा time कैसे निकालें, how to extract more time for studies, right? इसके लिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एटलीस्ट आपको 6 से 7 घंटे की नींद आपको ज़रूरी होती है, राइट? एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ नेसेसरी फॉर यू, बट हाउ टू रिड्यूस दैट टाइम ऑफ स्लीप, राइट? क्या ऐसा कोई तरीका है कि आप 4 घंटे सोएं और आपकी जो नींद है वो 6 घंटे के बराबर हो या 7 घंटे के बराबर हो? इज़ इट पॉसिबल दैट यू जस्ट स्लीप फॉर 4 आवर्स एंड यू आर एबल टू गेट दैट स्लीप ऑफ हाउ मेनी आवर्स? 7 आवर्स, राइट? सो इज़ देयर एनी मेथड? सो दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड बाय मैनी स्टूडेंट्स टू मी ऑन माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आता रहता है कि सर ये स्लीप का पैटर्न कैसे चेंज करें और ये इतनी ज़्यादा नींद आती है, हाउ टू रिड्यूस, कि हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं होता है. सो इसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं सो दैट यू कैन रिड्यूस योर स्लीपिंग टाइम टू 4 आवर्स, राइट? यस, 4 आवर्स का आप स्लीपिंग टाइम अपना रिड्यूस कर सकते हैं. दैट टू यू आर वेरी मच अवेक एंड यू आर वेरी मच अलर्ट वेन एवर यू आर रीडिंग, राइट? सो दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे. 24 घंटे में से यू आर स्लीपिंग ओनली 4 आवर्स, राइट? सो दिस टेक्निक नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, राइट? दिस टेक्निक नीड्स लॉट ऑफ एफर्ट. हाउ टू स्लीप जस्ट 4 आवर्स and get a maximum output with respect to your studies, right? Agar 4 ghante then you will be having 20 hours for studies, right? So this is the strategy which I used to follow when I was working in ICUs, right? Kyunki hamari jo shift hoti thi wo ICUs mein kafi hectic hoti thi and I usually do not get sufficient amount of time to study. So what I practiced this strategy of sleeping just 4 hours and remaining fresh for all the day and giving time to my studies also and giving time to my job also, right? So agar aapko is strategy ke bare mein janna hai, so you can comment on and I will definitely like to explain the various strategies, various steps, how to sleep less, how to increase your concentration during studies, right? Agar aapko kuch aur query ho, then that you can also post, right? So I will explain this in detail with respect to my strategy, but if you are interested, then only you can write, or otherwise we can record different lectures, right? So thank you very much.